अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ झटपट रबड़ी खीर, बहुत इजी तरीके के साथ। और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। और यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब दूध ले लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने देसी घी डाल दिया है। इसको मैंने हल्की आग पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक ग्राइंडर और उसके अंदर एक रस मैं तोड़ के डाल दूंगी। और इसके साथ ही तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब चावल मैंने भिगो के 2 घंटे पहले रखे हुए थे, ये इसमें चले जाएंगे। और 1/2 कप के जितना इसमें दूध चला जाएगा। और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब मैं ड्राई मिल्क पाउडर डाल दूंगी। इसके साथ जो फ्लेवर है वो बहुत मजे का है। इन सारी चीजों को मैं कर लेती हूँ अच्छी तरह ग्राइंड, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जी, जो सारी चीजें मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी ये इसके अंदर चली जाएंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, तो अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और हमने यहाँ पे कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो हमारे चावल है वो नीचे लगे नहीं, जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। इसमें मैं ऐसे चम्मच हिलाती रहूंगी। और सबसे जो अहम बात हमेशा की तरह वो ये की है कि आपने मेरी रेसिपीज बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। और जिसके अंदर हम मसाला पीसते हैं उस डब्बे के अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही 4-5 यहाँ पे मैं सब्ज़ इलायचियाँ डाल दूंगी, इसको भी अच्छी तरह पीस लेना है। और यहाँ पे सब्ज़ इलायचियाँ और चीनी डाल के इसको मैं अच्छी तरह पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, सब्ज़ इलायचियाँ और चीनी मैंने पीस ली है, ये भी इसके अंदर चली जाएगी। और अब इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूँगी तकरीबन 4-5 मिनट, इसमें मैं ऐसे चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि जो चावल हैं वो नीचे नहीं लगे। और हमारी ये रबड़ी खीर 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने चावल पहले ही पीस के डाले हुए। और यहाँ पे मैं अपने नए सब्सक्राइबर का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और अभी मैं इसको हल्की आग पे रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इतनी देर में हमारी जो खीर है ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखे जी, हमारी रबड़ी खीर को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए। खीर हमारी यहाँ पे तैयार हो गई, इसे मैं डालती हूँ मिट्टी के बाउल के अंदर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी रबड़ी खीर बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।